हमारे पक्षियों को देख के और को वो बता देता था किसान बारिश होगी ओले पड़ेंगे, वो अधिकारी इतने एक्सपर्ट थे सभापति महोदय, वो फिरते ही जान जाते कौन सरकार आनी है, पक चंपिंग चालू कर देते हैं, वही आगे पोस्ट मिलते हैं। मैं मेरे कई सदस्यों से नाम नहीं लूंगा, एक IPS सभापति महोदय इतना बड़ा डाकू कि ठेके पे थाने छोड़ता था वो, और मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, सत्य बात कह रहा हूँ, और जिसकी प्रशंसा माननीय हमारे बीजेपी के गृह मंत्री रहे गुलाबचंद कटारिया जी ने भी करी और जोर से चिल्ला के करी। कटारिया साहब मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सुनना आप, क्योंकि मुझे आप भले आदमी लगते हो इसलिए मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा गृह मंत्री जी का बयान आया, SP को मैंने लगाया बहुत बढ़िया SP है, और मैं गवाह हूँ उस SP के डाकू होने का। और अभी मुझे यही के हमारे सदस्यों ने एक दिन कह रहे साइन करके 5-10 सदस्य लेके चीफ मिनिस्टर के कि उस SP को हमारे लगा दो। मैंने कह रहे भले आदमी तो डाकू है, ये तो BJP के राज में भी लूट रहा था, अब तुम ले जाना चाह रहे हो। नहीं कह जी, हम सोच रहे हैं बढ़िया है। अब मुझे नहीं पता, ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो काम करे RSS का एक कार्यकर्ता, RSS का सभापति महोदय, उसको पुलिस वाला एक अधिकारी भ्रष्ट, उसने ऐसे मोदा पटक के उसका छोरा है, पार्षद के इलेक्शन थे, दूसरे MLA ने कहा कि इसको ठोकना इस RSS वाले को, ये मेरी टिकट का विरोध कर रहा था, उसका पूरा खानदान RSS का है, पूरा खानदान, उसको इतनी बुरी तरह से मारा। हुआ क्या, बहरोड थाने में था वो थानेदार, उसको मानन SHO बना के लगा दे पुरस्कार कि तूने बढ़िया ठोका, उनकी जूतियां घिसकी कटारिया जी के चक्कर लगा लगा। कटारिया जी ने कहा कि भाई DG आके बैठ जाएगा, सस्पेंड करूंगा, तो कुछ नहीं हुआ। मैंने प्रदर्शन किया, अलवर में किया, तो बैरिकेड लगा के मुझे रोक लिया, हजारों लोग ले गया, RSS का कार्यकर्ता था, लेकिन चूंकि अन्याय हुआ था वह रोका, बाहर बैरिकेड्स लगा दिए। मैंने कहा कि चोर है SP, चोर, और करोड़ों रुपए उगा रहा है, और मैं साबित करूंगा। पत्रकारों ने कहा आप पे केस हो जाएगा, मैं सबूत दूंगा कि उसने पूरे वहां पे कुंड रोड पे लगवा के लुटवा रहा है, हर ट्रक को कैमरे को बंद कर देता है, कैमरा चलने नहीं देता है, और मैं आज पकड़ के बताऊंगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। वो SP तो चूं बोला नहीं, उसके बाद में उसको हटाया गया वहां से, और लिखवा के वहां के BJP के MLA ये दिया साइन करा के सरपंचों से, SHO ईमानदार। तो मैं कहता हूं जो राज में आ जाता है वो इनके हिसाब से चलता है, तब उसके कुछ और सिद्धांत हो जाते हैं, जब वो विपक्ष में चला जाता है तब कुछ और बातें हो जाती हैं। कृपया किसान जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, इससे जो भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल सके, और कर्ज माफी हेतु अपने महत्वपूर्ण राय जरूर